कानपुर, विकास दुबे के नौकर ने किया बड़ा खुलासा। पुलिस ने दी थी विकास दुबे को दबिश की सूचना। सूचना के बाद उसने अपने असलाहाधारी साथियों को बुलाया। नौकर की बंदूक खुद छीन कर विकास दुबे ने चलाई गोलियां। पुलिस एनकाउंटर में घायल विकास के नौकर दया शंकर ने किया खुलासा। आरटीआई न्यूज 24 के लिए अमन शर्मा की रिपोर्ट। तो अब एक बंदूक है, बस वही मारवाड़ी का सब फर्जी है। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे नीले आदमी है, नीले सलवार है, गोली घंटन। कितने लोग थे? पच्चीस आदमी। क्या जानकारी, कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया, फोन करके किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और हम तो घर के अंदर लाग थे, हम तो देखा नहीं देखा। ये बताइए कितने थे असलहे? जितने पता नहीं, हमने हम तो घर के अंदर लाग थे। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, तो सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी। नाम थी गोली चलाई थी। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था, गांव के बारे में बदिया है उसके खेत में वही बुलाता है। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते थे, जो फैसला वाले जो बुला बन जाए। कितने बदमाश उसके पास? जो तो मैं बता सकते फोन करके बुलाया था उसने। हाँ तो उसको जानकारी कैसे हुई पुलिस आने वाले उसके पास? उसके पास फोन आया था। किसका? आया वो थाने से। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।